हाय राधे राधे, हैप्पी दीपावली। सॉरी दीपावली होली ले। हाँ हाय राधे राधे, मैं आज राजस्थानी सूट पहन रही हूँ क्योंकि होली आने वाली है। तो मीठा से ही शुरू करेंगे। ये मैंने ली है चाशनी बनाने के लिए चीनी, एक प्याला है। ये लिया है मैंने बादाम, ये मैंने लिया है पिस्ता, ये मैंने आटा लिया है, और ये मैंने इसमें डालने के लिए ओलिवा का तेल है, और ये गिट है खोपरा, तो इसको मैं घिसने वाली हूँ, बाद में दिखाऊंगी आपको। और इसके अंदर हो रहा है पानी गरम। सबसे पहले लेते हैं आटा, ये मैं नमक लिया है, ज्यादा नहीं डालूंगी, ऐसे ही थोड़ा सा ही। ये है तेल, अब डाल रही हूँ पानी गरम है। और पूनम लाइव कर रही है, उसकी आवाज आ रही होगी आपको। तैयार, अब इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। अब मैं इसके अंदर चाशनी बनाऊंगी। ये मैंने एक बाट की चीनी के लिए, ये है आधी कटोरी पानी की, ये बादाम है पिसी हुई, अब इसके अंदर ही ये पिस्ता क्या है, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। ये भी इसके अंदर ही डाल देते हैं। मैं एक बाटी आटा लेती हूँ, मैंने एक कटोरी आटा के लिए, अब एक कटोरी लेती हूँ चीनी की, जो अंदर से मीठा ज्यादा हो गया तो और भी अच्छा लगेगा। ये मैंने बादाम, पिस्ता का, काजू, खोपरा ये ले लिया, ये आटा है, ये चीनी है, इसको साइड में कर देते हैं। चाशनी तैयार हो गई है। और ये मैंने लिया है घी, अब इसके अंदर फ्राई पैन के अंदर मैं घी डाल देती हूँ। ये मैं इसके अंदर आटा डाल रही हूँ, आटा सीख गया, एकदम रेडी हो गया। मैंने आपको इलायची तो बताई ही नहीं, इलायची पीसी हुई है। वो क्या इलायची पहले से ही मैंने पीस के रख रखी हूँ। आटा तैयार हो गया, सीख गया, अब गैस को बंद कर देते हैं। ये बादाम मेरे पीसी हुई, ये है चीनी, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये ठंडा हो जाएगा, इसको साइड में कर देते हैं। और इसका आटा भी ज्यादा करके टाइट भी नहीं है लगाना, सॉफ्ट आटा लगाना।
बराबर यहाँ से। हाथ को ऐसे रखना। पहले आप बीच में से ऐसे करना, और पूड़ी को भी अच्छी तरह से बेलना। अब इसको ऐसे हाथ की सहायता से ये हमारा गुंजा, देखो डिजाइन भी कितनी सुंदर है। और ये बड़ा बड़ा के मैं दिख रहा इसके अंदर रख दूंगी। ये सारा बना लेते हैं। अब इनको तेल में फ्राई करते हैं। अंदर डाल देते हैं। तेल हो रहा है गरम। अब मैं और क्या करती हूँ, एक अलग से तैयारी करती हूँ। बोलो बोलो कौन हूँ मैं। अपने इंडिया में नहीं होते कि भाई छोटे बच्चे पैदा होते हैं और उनको उनका ढूंढ पूछते हैं, तो भाई उनके ननियार वाले बुहासा ये रिश्तेदार उसके लिए ढूंढ लेके आते हैं, खिल्ला लेके आते हैं, खूब सारी मिठाई लेके आते हैं और उसका ढूंढ पूछते हैं। तो वो खिल्लार वगैरह तो नहीं है, पर कोशिश करूँगी मेरे कानों के लिए बनाऊँगी। ये नहीं, ये फ्राई करने के लिए, खाने के लिए नहीं। तो ये है मूंगफली का तेल, अच्छा भी होता है। ज्यादा नहीं डालूंगी, आप देख सकते हो, एक चम्मच भी नहीं है। ये है नमक, इसके अंदर गया नमक, ज्यादा भी नहीं डालना, स्वाद अनुसार। अब ये सोच रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ, आपको दिखाते हैं। पकौन बना रही हूँ। और एक मत्तर तेल डाला हूँ, बिल्कुल इतना सा ये छोटा मोटा कर लेते हैं। बाहर आ जाएगा पूरा ही, इसको खेलना नहीं है, इसको कूदने दो। धमचिक धमचिक करें बाहर करना। अरे आ गया। पूरा टोपिया भर गया, एक बाटकी से पूरा टोपिया भर गया। तेल हो गया गरम, इसको डालते हैं तेल के अंदर। अब आप गैस को मीडियम ही रखना। अब इसको आप ऐसे लिए चाशनी में नुहा सकते हो आप। अब आती है बारी, मैंने बोला ना कुछ तो रंग बिरंगा होना चाहिए ना। ये वो ही है, केक के ऊपर डालते हैं। ज्यादा देर रखेंगे तो पिघल जाएंगे। चलो राधे राधे। मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो पूरा देखना, ठीक है। इटली में रह के भी देखो ये क्या क्या चीज करनी पड़ती है।
वीडियो देखना, पूरा देखना, बटन को दबाना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ए जी।